विथ रिगार्ड टू डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट वीर सावरकर। क्या था पर एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट क्या पुट अप किया था? उन्होंने स्टेटमेंट ये रखा था, हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इसके हिसाब से उनका स्टेटमेंट न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से ये है कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ जो मैं माफी मांगू, ऐसा उनका स्टेटमेंट था विच इज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड एंड दैट स्टेटमेंट वाज नॉट डिनाइड बाय द अदर साइड। आज ना चुकादा ना महत्वपूर्ण मुद्दा एवं कही सकते कि रिविजन नी अंदर नीचेनी कोर्ट ना जे कई मुद्दा नक्की थया छे, नीचेनी कोर्ट नो जो हुकम छे ते बिल्कुल न्याय सिद्धांतो प्रमाणे छे, एमां कोई क्षति नथी। उपरांत में आरोपी नो गुनाहित इतिहास छे, एमएलए के एमपी होवा मात्रथी डिस्क्वालिफिकेशन थाय ए तो कायदानी प्रक्रिया छे, कोई विशिष्ट प्रकारना लाभ मळी शके नहीं एमएलए एमपी होवा मात्रथी, अने 10 जेटला एमनी सामे गुनाहित केस आज प्रकारना पेन्डिंग छे। आ बधा संजोगो जोता એમની કંડક જોતા રિવિઝન અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલી છે, હજી આખો ચુકાદો હાથમાં આવવાનો બાકી છે, નામદાર જજ સાહેબ જસ્ટિસ સાહેબ સહી કરશે, પછી ચુકાદો ટ્રાન્સફર થશે, પછી હાથમાં આવશે, બપોર સુધીમાં મળી જવો જોઈએ, પછી એનો અભ્યાસ કરીને આગળનું કઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ થઈ શકે। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।